महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर महिला कांग्रेस आज सड़कों पर है, संसद का घेराव कर रही है। हमारे साथ नेता डिसूजा हैं जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। मैम, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर क्या संसद का घेराव आप सब लोग कर? मुद्दे महिलाओं के मुद्दे, देश का मुद्दा है। देश में जिस तरीके महिलाएं असुरक्षित है, देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, देश में जो बढ़ती महंगाई से महिलाएं परेशान है, और मोदी की सरकार जो है वो इसे एड्रेस कर पा रहा है। आज के तारीख में जो है वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि लोग जो है लोगों को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है। 74% से ज्यादा जो लोग हैं देश के जो आबादी है उनको पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार जिम्मेदार है, और ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी वरना जानी होगी। नए संसद का घेराव देश के इतिहास में पहली बार होने जा रहे हैं, और वो देश की महिलाएं कर रहे हैं। जब जब देश की महिलाएं उठ के आवाज उठाती है सत्ता को पलटा देती है। महिलाओं की सुरक्षा का एक मुद्दा, एक बहुत अहम मुद्दा हो गया है, बिल्कुल अहम मुद्दा है। और ये संसद के अंदर भी जो हुआ है ना, जो अगर जो सरकार अपने नए संसद को हाई टेक्नोलॉजी कैमरा वाले जो भी वो जो कहते हैं ना मोदी के आंख तो हर जगह में है, संसद के अंदर देखो और उसके नाक के नीचे क्या हुआ है। ना महिलाएं सुरक्षित है, ना देश में सांसद भी सुरक्षित है। बातचीत करने के लिए साफ तौर पे कहना है कि देश के अंदर संसद में ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना ही नेता जो है वो सुरक्षित है, ना ही सांसद सुरक्षित है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ सुशांत मेहरा आज तक।